दोस्तों मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों आज हम बात करेंगे लाइट फिटिंग को लेकर। दोस्तों आप नया मकान बनाते हैं तो आप सोचते हैं उसमें अच्छी से अच्छी फिटिंग हो, और दोस्तों यहाँ पर आप एक छोटी सी गलती कर देते हैं जिससे आपको ज़िंदगी भर पछताना होता है। तो दोस्तों ये गलती क्या है, इस गलती की वजह से आपका बिजली का बिल भी जाता आता है और आपकी लाइट बार बार फॉल्ट होती है, जिससे आपको इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ता है बार बार और वो आपसे काफ़ी पैसे ले जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको कौन सी वायर परचेज करनी है आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे पास है पॉलीकैप की वायर, आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे और आपको बताऊंगा इसकी क्वालिटी और आप इसको वायर को अपनी लाइट फिटिंग में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों स्क्रीन पर आप जैसा देख रहे हैं कि पॉलीकैप का वायर है 1.5 mm का। इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी सारे वायर आते हैं, जैसे 2.5 mm, 4 mm, 6 mm, 10 mm। और दोस्तों अब हम इसको खोल कर इसको छील के आपको इसका गेज दिखाएंगे, उसके बाद इसकी हीट प्रूफिंग जो है मतलब कितनी आग ये झेल सकता है वो भी आपको दिखाएंगे, मतलब जैसे वायर गर्म होते हैं तो कितनी हीट झेल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी स्क्वायर mm लिखा हुआ है, 1.5 square mm का ये तार है और इसमें की लेंथ जो है 90 मीटर है और पॉलीकैप का ये वायर है। इसके अलावा और भी डिटेल इसके पीछे दी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसमें कौन कौन से कलर आते हैं। और अब हम इसका वायर बाहर निकालेंगे और छील कर फिर देखेंगे, और आप यहां से देख सकते हैं इस तरह मैंने इसको बाहर निकाल लिया है पूरा ही, क्योंकि वहां पे इसका सिरा नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने इसको पूरा ही बाहर निकाल लिया है। और अब मैं इसको प्लास से छीलूँगा। दोस्तों इस तरह आप अगर इसको छीलते हैं तो इसके वायर कटने के चांस होते हैं, इसलिए आप कटर प्लास रखें। मेरे पास फिलहाल उपलब्ध नहीं था तो मैं प्लास से ही छील के आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके अलावा इसकी पीवीसी है जो वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, मतलब जब आप इसको वायर को पाइप में डालते हैं अंडरग्राउंड जब फिटिंग होती है उसमें खींचने में इसमें परेशानी नहीं आती है, आसानी से खिंच जाती है। दोस्तों पहले 320 की वायर आती थी और अब ये मल्टी स्टैंड वायर आती है, मतलब इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों आई? तो दोस्तों इसका भी एक रीज़न है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा अगर आपके ज़्यादा कमेंट आएंगे तो। दोस्तों एक तो ये खींचने में आपको परेशानी नहीं आती और इसके अलावा और भी कई बातें हैं, अगर आप कहेंगे तो इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। 320 में पहले वायर आती थी, अब ये फ्लेक्सिबल क्यों आई, इसकी भी एक पूरी वीडियो मैं आपको बना दूंगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इसकी लेंथ 90 मीटर है और काफ़ी अच्छी वायर है और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब मैं इसको हीट प्रूफिंग देखूँगा, मैं इसकी पीवीसी को जलाकर कितना ये झेल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको छील लिया है, अब मैं इसको माचिस से जलाकर देखूँगा और फिर हम इसको देखेंगे कि कितनी देर तक हीट झेल सकती है। तो दोस्तों अब देखें, दोस्तों यहाँ पर मैंने माचिस की तीली जला ली है और मैं इसको जलाने की कोशिश करूँगा और ये आग नहीं पकड़ रही है। दोस्तों ऐसा नहीं कि आग नहीं पकड़ेगी, अगर आप इस पर कंटिन्यू लगातार काफ़ी देर तक माचिस रखेंगे जलाएँगे तो ये जल जाएगा, लेकिन जो इसकी लोड लेने की क्षमता है मतलब 1.5 mm का जो वायर है इसकी लोड लेने की क्षमता है उसके हिसाब से जब ये हीट होगा तो इसकी पीवीसी आग नहीं पकड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा ओवर लोड होगा और बहुत ज़्यादा इस पर लोड होगा तो ये जल सकता है, लेकिन ये नॉर्मल जो हीटिंग होती है उसके हिसाब से ये नहीं जलेगा। बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इस वायर में नहीं है, अपने वायर में लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया पॉलीकैप वायर के बारे में, अगर आपको परचेज करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा लोड है तो वहां पर 2.5, 4 या 6 mm की वायर लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।